हे गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन मॉम एंड बेबी केयर। कैसे हैं आप सब? आप सब बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पर बहुत ही डिलीशियस यम यम टोमेटो सूप की रेसिपी आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। सर्दियों का मौसम चल रहा है और गर्मा गर्म सूप पीना तो बनता ही है, तो चलिए जल्दी से बनाते हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट टाइप से टोमेटो सूप। और यहाँ पर मैंने टोमेटो ले लिए हैं, इसे पील कर लिया है, एक मीडियम साइज का ऑनियन लेकर उसे अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। यहाँ पर दालचीनी, तेजपत्ता और लौंग ले ली है मैंने। यहाँ पर एक स्पून शुगर ले लिया है, एक छोटा स्पून यहाँ पर मैंने नमक ले लिया है, चार कलियाँ यहाँ पर मैंने लहसुन की ली हैं और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर अदरक लिया है, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर लिया है। चलिए चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर पैन रख दिया है, पैन हमारा गर्म हो चुका है। दो स्पून मैंने यहाँ पर बटर डाला है। ध्यान रखिए, अगर सूप बना रहे हैं तो बटर में बनाएंगे तो इससे टेस्ट जो है वो बहुत ही डिलीशियस यम और बहुत ही एनहांस होकर आता है। यहाँ पर तेज पत्ता, दालचीनी और लौंग को ऐड कर देंगे, इससे और भी अच्छा फ्लेवर आ जाता है सूप में। इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है अदरक एंड लहसुन, इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लें। अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं अपने प्याज। प्याज को बिल्कुल हमें गुलाबी होने तक भूनना है, इसका जस्ट हमें कच्चापन दूर करना है। बहुत ज़्यादा हमें प्याज को नहीं भूनना है, नहीं तो इससे जो है वो सूप का टेस्ट जो है वो थोड़ा सा बिगड़ सकता है। प्याज हमारे गुलाबी हो गए थे, अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे टोमेटो। अच्छी तरह से हमें इसे मिक्स कर देना है, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दें। और यहाँ पर अब मैं ऐड करूँगी नमक, यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया, अच्छी तरह से मिला दें इसे। और अब हम इसे 5 मिनट तक कवर करके कुक होने देंगे, जिससे कि हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पर मैंने इसे ढक दिया 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हमारे हो चुके हैं, चलिए इसे ओपन करके देखते हैं। ये देखिए, हमारे जो टोमेटो हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं, इनका कलर भी बहुत हद तक चेंज हो चुका है। अब हम यहाँ पर खड़े मसाले जो हैं वो निकाल लेंगे। यहाँ तेज पत्ता, दालचीनी, लौंग को हम यहाँ पर निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए हम कम से कम 10 मिनट तक छोड़ देंगे। वो ठंडा हो चुका है। अच्छी तरह से ठंडा होने के बाद यहाँ पर मैंने मिक्सर का जार ले लिया है। अब हमें इसे अच्छी तरह एकदम फाइन पेस्ट बनाना है और अभी यहाँ पर हमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना है, पानी ऐड नहीं करेंगे हम। यहाँ पर मैंने इसे अच्छी तरह एकदम फाइन पीस लिया है। अब चलिए इसे हम छान लेते हैं। छानना ऑप्शनल है, आप ऐसे भी बना सकते हैं, पर छानने से जो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में जो है वो सूप बनकर तैयार होता है। यहाँ पर मैंने इसे छान लिया है। अब दोबारा से चलते हैं गैस की तरफ। वही पैन रख लिया है मैंने। अब ये सारा सूप जो है वो मैं ऐड कर दूंगी पैन में और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसकी थिकनेस को दूर करने के लिए हम इसमें 1/2 कप पानी ऐड कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पर 1/2 कप मैंने पानी ऐड कर दिया। उसी जार से पानी ले लिया था मैंने जिस जार में मैंने टोमेटो को पीसा था। यहाँ पर मैं शुगर ऐड कर दूँ, इससे टेस्ट बहुत अच्छा एनहांस होता है। अच्छी तरह से मिक्स कर दें। ये हमारा धीरे धीरे जो है वो सूप गाढ़ा हो रहा है। अब यहाँ पर मैंने काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है और इसे अच्छी तरह से मिला दें। यहाँ पर हम थोड़ा सा इसे ढक कर रख देंगे। सूप हमारा बनके तैयार हो चुका है और देखिए बिल्कुल इसकी जो थिकनेस है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनी है। बहुत ही डिलीशियस यम लगता है। सर्दियों में ज़रूर
बनाए। और फाइनली यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फ्रेश क्रीम इसमें ऐड कर दिया है, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, तो इस तरह से हम प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने लगा दिए हैं कुछ धनिया पत्ते की लीफ, और ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में हमारा टोमेटो सूप बनकर तैयार हो गया है। ज़रूर इस हेल्दी रेसिपी को ट्राई कीजिए, सर्दी का मौसम चल रहा है तो ज़रूर खुद भी पीजिए और पूरे परिवार को भी यम यम डिलीशियस टोमेटो सूप पिलाइए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करेगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाजू में बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा जिससे मेरे चैनल के सारे अपडेट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो साथ, तब तक लिए चल दें, टेक केयर, बाय बाय।